पूरे प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में, हर एक जनपद में 10-10 बेड के आइसोलेशन वार्ड, कोरोना फ्लू से प्रभावित लोगों के लिए आइसोलेशन वार्ड के रूप में पहले से तैयार किए गए हैं। 24 गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में भी आइसोलेशन वार्ड बना करके हम लोग प्रदेश में 1268 बेड के आइसोलेशन वार्ड प्रदेश में अब तक स्थापित कर चुके हैं। प्रदेश में कुल 11 मरीज कोरोना फ्लू से प्रभावित पाए गए थे, जिनमें 10 का दिल्ली के सफदरजंग में उपचार चल रहा है, एक का लखनऊ में KGMU में उपचार चल रहा है। 5 लैब हम लोगों ने इसकी जांच के लिए प्रदेश में स्थापित की हैं भारत सरकार के सहयोग से, जिसमें लखनऊ में 2 हैं SCPGI और KGMU में, एक अलीगढ़ में है, एक BHU में है, एक गोरखपुर में BRD मेडिकल कॉलेज के वायरोलॉजी सेंटर को भी इसके लिए तैयार किया गया है। प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह सतर्क भी है और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। मेरी अपील होगी कि इसके नाम पर अनावश्यक हुबा न खड़ा किया जाए, केवल सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। भारत की जो शिष्टाचार की परंपरा रही है अभिवादन की, नमस्ते, हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते का प्रयोग करते हुए अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हाथ को अगर कहीं भी होता है तो उसको बार बार साफ करेंगे, तो मुझे लगता है कि हम लोग इस प्रकार की बीमारियों से हर व्यक्ति को बचाने में सफल होंगे। यह कोरोना के प्रति बचाव उपचार से महत्वपूर्ण कारक बन सकता है और इसके लिए अवेयरनेस के कार्यक्रम हर एक स्तर पर चल रहे हैं। कल उच्च स्तरीय बैठक लखनऊ में मैंने स्वयं ली है, हर जिला प्रशासन को, हर जनपद के स्वास्थ्य विभाग को, शिक्षा, पंचायती राज और ग्राम्य विकास, नगर विकास, इन सबको इसके लिए तैयार किया गया है। हर विभाग मिलकर के अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से भी कोरोना को परास्त करने के लिए पूरी तरह हम लोग तैयार हैं। आज मैं वाराणसी में आया हूं। वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सालय में जो एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, पूरी तरह सुरक्षित है, सेपरेट है, और यहां पर उनके आइसोलेशन वार्ड में उपचार की सारी सुविधाएं भी यहां मौजूद हैं। मैंने स्वयं इसका निरीक्षण किया है। हम लोग बहुत बारीकी से नज़र रख रहे हैं, ख़ासतौर पर जो इंटरनेशनल पैसेंजर या टूरिस्ट आ रहे हैं वाराणसी की दृष्टि से, लखनऊ की दृष्टि से, अन्य सभी एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भी और NCR में भी हम लोगों ने विशेष सतर्कता बरतने का कार्य किया है। मुझे लगता है कि हम लोग सामूहिक सहभागिता और सहयोग से एक जागरूकता के कार्यक्रम के माध्यम से, सतर्कता के माध्यम से कोरोना को परास्त करने में सफल होंगे।